डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सीएल वर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन स्कोलियोडोन या डॉग फिश। डॉग फिश के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसके बाद में जो अपन टॉपिक पढ़ेंगे वो है कंपेरेटिव एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। वर्टिब्रेट्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसकी कंपेरेटिव एनाटॉमी पढ़ेंगे, यानी जो स्कोलियोडोन है, फ्रॉग है, यूरोमेस्टिक्स है, पिजन है और रेबिट है, इन पांचों के अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम का कंपेरिजन पढ़ेंगे। लेकिन कंपेरिजन पढ़ने से पहले अपने को ये जानना आवश्यक है कि प्रत्येक क्लास के अंदर वो ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसे होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपन प्रत्येक क्लास का या प्रत्येक एनिमल का अपन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे और उसके बाद में पांचों का कंपेयर करेंगे। तो आज अपन सबसे पहला टॉपिक लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन स्कोलियोडोन या डॉग फिश। यहां पर अपन ने एक डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम के अंदर ये स्कोलियोडोन का पोजीशन बता रखी है, अपने गिल्स की पोजीशन बता रखी है, क्योंकि स्कोलियोडोन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है, गिल्स, और उनकी ये पोजीशन बता रखिए। तो यहां पर ये पांच जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं स्कोलियोडोन के अंदर। ये एक गिल अपन ने यहां पे दिखा रखा है, लेकिन इससे पहले मैं आपको कुछ टर्म्स बताता हूं। वो टर्म्स ये है कि एक तो होता है होलो ब्रिंक का मतलब ये होता है कि पूर्ण जो गिल होता है, अपने आप में जो कंप्लीट गिल होता है, उसको अपन होलो गिल बोलते हैं, होलो ब्रिंक बोलते हैं। उसमें क्या होगा कि एक बीच में सेप्टम होगा और दोनों तरफ है वो गिल मिली होगी, तो वो अपने आप में क्या है, एक संपूर्ण गिल होता है, होलो ब्रिंक होता है। एक होता है डेमी ब्रिंक, और डेमी ब्रिंक का दूसरा नाम ही क्या है, हेमी ब्रिंक, को अपन हेमी ब्रिंक भी बोलते हैं, या उसको अपन हाफ गिल भी बोलते हैं, हाफ गिल। ये तीनों एक ही नाम है, डेमी ब्रिंक बोल दीजिए, हेमी ब्रिंक बोल दीजिए, हाफ गिल बोल दीजिए। इसका मतलब यह है कि केवल एक लेमिला जहां पर लगी हुई होती है, दोनों साइड में लेमिला नहीं होकर के एक, अगर लेमिला लगी है, एक ही लेमिला है अगर उसके अंदर, तो अपन क्या कहेंगे, डेमी ब्रिंक या हेमी ब्रिंक या फिर उसको हाफ गिल बोलेंगे। ये हुआ। तीसरा होता है ए ब्रिंक का मतलब होता है कि गिल तो है, बीच में सेप्टा भी है, लेकिन उसके ऊपर लेमिली नहीं है, तब उसको ऊपर क्या बोलेंगे, ए ब्रिंक। तो ये तीन टर्म है जो आपको याद रखनी है। यहां पर देखिए जो अपन ने डायग्राम बना रखा है, ये ओपन माउथ है, माउथ ओपन, जब माउथ ओपन होगा तब ये डायग्राम है, और जब माउथ क्लोज होगा तब ये डायग्राम है। दोनों में फर्क क्या है, देखिए यहां पर ये जो इंटरसेप्टल है, सेप्टा है, वो क्या है, जो सेप्टा है वो क्या है, फ्लेप जो उनके वो मुड़े हुए, यानी ये जो गिल स्लिट्स है वो बंद है, तो ये ओपन टाइप का दे रखा है, और जब माउथ क्लोज होगा तो ये जो फ्लेप है वो एकदम से सीधा दिखाई देगा। ये अपन रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म में दोबारा पढ़ेंगे। अपन पढ़ते हैं गिल्स के बारे में। तो यहां पर पांच जोड़ी गिल पाए जाते हैं, जो ये पांच जोड़ी गिल्स पाए जाते हैं उसमें से चार जोड़ी तो क्या होते हैं, होलो ब्रिंक, जो अपने सबसे पहला बताया होलो ब्रिंक। तो ये देखिए, ये दो तीन और चार, यानी सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये चार तो क्या पाए जाते हैं, होलो ब्रिंक होते हैं। और जो फर्स्ट जो गिल दिखा रखा है उसमें देखिए सेप्टा है और एक ही लेमिली पाई जाती है पोस्टीरियर, तो वो क्या होगा, डेमी ब्रिंक यानी हेमी ब्रिंक, यानी आधा गिल, हाफ गिल, तो ये हाफ गिल है। और तीसरा लिखा अपन ए ब्रिंक, ऐसा गिल जिसके ऊपर लेमिली नहीं हो, तो ये देखिए ये वाला गिल जो दिखा रखा है इसके ऊपर कोई लेमिली नहीं है, तो ये क्या हो गया, ए ब्रिंक। ये नाम का मैंने क्लासिफिकेशन दिया है। अब इसकी संरचना के ऊपर आता हूं मैं। यहां संरचना में देखिए बीच में अपन ने फेरिंग्स दिखा रखी है, ये जंतु की फेरिंग्स है स्कोलियोडोन की, और फेरिंग्स के दोनों तरफ क्या लगे रहते हैं, पांच जोड़ी गिल्स लगे रहते हैं। उन गिल्स के अंदर वो जो गिल्स लगे रहते हैं वो किस में होते हैं, गिल पाउच में। ये देखिए ये एक गिल पाउच है, यानी ऊपर वाले गिल की तो पोस्टीरियर लेमिला,
और नीचे वाले की एंटीरियर, ये अपने आप में एक गिल ब्रेक है। दूसरा गिल ब्रेक ये है, ये स्पेस गिल ब्रेक नहीं है, ये जो स्पेस पाया जाता है ये गिल ब्रेक नहीं है, गिल पाउच नहीं है। गिल पाउच में किसको बता रहा हूं, एक गिल की पोस्टीरियर लेमिला और दूसरे गिल की एंटीरियर लेमिला, दोनों मिलकर के जो इतना स्पेस होता है वो कराता है गिल पाउच, और उस गिल पाउच में विसरल आर्च निकली रहती है। ठीक है, अब अपन एक अगर गिल को देखें, ये गिल है, होलो ब्रेंक है, इस होलो ब्रेंक गिल के अंदर दो लेमिला पाई जाती है, यानी जो बीच में पाउच होता है, मैंने बताया ना पाउच होता है बीच के अंदर गिल पाउच, उस गिल पाउच के ऊपर मेम्ब्रेन होती है और वो मेम्ब्रेन मॉडिफाई होकर के क्या बनाती है, गिल लेमिला, ये गिल लेमिला और ये गिल लेमिला, ये गिल लेमिला। अब प्रत्येक गिल है वो अंदर की साइड में, प्रत्येक जो पाउच है, अब ये गिल तो अपने आप में क्लोज है लेकिन ये छिद्र किसका कहेंगे, गिल पाउच का, ये क्या गिल पाउच है, ये यहां से एक सेप्टा के बाद में शुरू होता है, दूसरा सेप्टा के बीच में, ये क्या गिल पाउच है, ये गिल पाउच फेरिंग्स की तरफ खुलता है यहां पे, किसके द्वारा, इंटरनल ब्रेंकियल अपर्चर, इंटर ब्रेंकियल अपर्चर के द्वारा तो फेरिंग्स से कम्युनिकेट होता है, और एक्सटर्नल एनवायरमेंट से बाहर किससे होता है, ये देखिए ये जो छिद्र दिख रहा है, ये जो छिद्र दिख रहा है इससे क्या होता है, ये एक्सटर्नल गिल स्लिट्स है या एक्सटर्नल ब्रेंकियल अपर्चर है जिसको अपने क्या कहा, गिल स्लिट्स। तो बाहर खुलता है गिल स्लिट्स के द्वारा या एक्सटर्नल ब्रेंकियल अपर्चर के द्वारा, और अंदर खुलता है इंटरनल ब्रेंकियल अपर्चर के द्वारा, फेरिक्स में खुलता है। प्रत्येक गिल के अंदर, प्रत्येक गिल के अंदर बीच में एक सेप्टा पाया जाता है जिसको बोलते हैं इंटरब्रेंकियल, इंटरब्रेंकियल सेप्टा, ये इंटरब्रेंकियल सेप्टा है, और इस इंटरब्रेंकियल सेप्टा की दोनों तरफ क्या लगी रहती है, लेमिली लगी रहती है। इस सेप्टा के अंदर ब्लड वेसल्स भी होती है और नर्वस सेल्स भी होती है सेप्टा के अंदर। अब प्रत्येक, अब इस प्रकार से अगर अपन देखें तो ये चार तो क्या है, होलो ब्रेंक है, और ये एक क्या बताया, हेमी ब्रेंक है, और ये है ए ब्रेंक, तो टोटल यहां पर लेमिली कितनी हो गई, या यूं मान लीजिए हेमी ब्रेंक कितना हो गया, ये एक आधा जो है हेमी ब्रेंक है, ये हेमी ब्रेंक है, कंप्लीट मिल गया होलो ब्रेंक। ये गिल है जैसे, ये एक इतना सा एक लेमिला क्या है, हेमी ब्रेंक, ये दूसरी लेमिला क्या है, हेमी ब्रेंक, पूरा क्या है, होलो ब्रेंक। तो टोटल हेमी ब्रेंक कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 इसके अंदर क्या होती है, हेमी ब्रेंक्स होते हैं। टोटल मिला होलो ब्रेंक 4 है, हेमी ब्रेंक 1 है, ए ब्रेंक 1 है, ए ब्रांच 1 है, तो टोटल हेमी ब्रेंक कितने हो गए, 9। अंदर खुलते हैं इंटरनल छिद्र के द्वारा, एक्सटर्नल या गिल स्लिट्स के द्वारा ये बाहर खुलते हैं। प्रत्येक सेप्टम के आगे एक फ्लैप लगा रहता है, तो इस तरीके से ये मुड़ा हुआ दिखाया अपन ने, कब, जब माउथ क्लोज्ड है इंस्पायरेशन के दौरान, तो ये इस तरीके से मुड़े हुए हैं। तो ये जब मुड़े हुए हैं तो यहां से क्या होगा, ये केवल गिल लेमिला की रक्षा करने का काम करता है, सपोर्ट करने का काम करता है। जब माउथ क्लोज्ड है तब ये देखिए ये फ्लैप्स है वो एकदम से सीधा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिए आप, ये जो अपन ने यहां पर गिल बना रखा है, जो ये आगे वाला पोर्शन जो ये बना रखा है, इसमें यहां पर क्या है, इसके एफरेंट आर्टरी है और ये बीच के अंदर मसल्स भी दिखा रखी है अपन ने। यहां पर कुछ हैकर्स रेकर्स निकलते हैं, इस तरीके से रेकर्स निकलते हैं और इधर भी निकलते हैं, क्योंकि ये जो सेप्टा है और ये जो आर्क है, जो इसमें इसमें क्या है, एपिब्रेंकियल कार्टिलेज होती है और यहां पर रेकर्स निकल रहे थे, तो वो रेकर्स के फूड पार्टिकल्स को अंदर नहीं जाने देते हैं। तो इस प्रकार से ये संरचना है किसकी, गिल्स की। अपन एक गिल को, होलो ब्रेंक को अगर यहां लेकर के देखें, तो ये जो अपन ने बाहर दिखा रखा है वो ये दिखा रखा है, इसमें ये बड़ी सारी मसल्स होती है, इसके बाद में एपिब्रेंकियल कार्टिलेज है, ये इसको सपोर्ट करने के लिए क्या पाई जाती है, कार्टिलेज। और यहां पर ये देखिए बीचों बीच एक दिखाई है एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी, ये एफरेंट ब्रेंकियल आर्टरी है, इससे ब्लड इसके अंदर आएगा, जब लेकिन वापस निकलता है तब, आपको अगर ध्यान हो अपन ने aortic arches पढ़ा था, और aortic arches जो पढ़ा था उसमें ये बताया था
कि जो स्कोलियोटोन में इफरेंट ब्रिंकियल आर्टरी है वो डबल दिखाई थी। अगर आपको डायग्राम अगर ध्यान में आ रहा हो तो इस तरीके से अपन ने एक डायग्राम बनाया था जिसमें ये बीच में वेंट्रल ऑर्टा बताया था और यहाँ पर अपन ने गिल पाउच बताए थे, गिल्स बताए थे, तो यहाँ पर अपन ने डबल शो किया था और यहाँ पर सिंगल शो किया था। तो ये एफरेंट और ये डबल क्या है, इफरेंट। तो देखिए ये एफरेंट है और ये क्या है, एंटीरियर। ये एंटीरियर एफरेंट इफरेंट और ये पोस्टीरियर एफरेंट। तो यहां पर वो दो इफरेंट जो है ये रही, तो इनके द्वारा इसमें ब्लड आता है। बीचों बीच में अपन ने क्या बताया, बीचों बीच में क्या बताया, एक्सटर्नल ब्रेंकियल फ्लैप्स दिखा रखा है, ये तो ये सेप्टा है, इंटर ब्रेंकियल सेप्टा, ये जो है ये है इंटर ब्रेंकियल सेप्टा जो बीचों बीच पाया जाता है, और इसी सेप्टा का जो लास्ट का पोर्शन है उसको अपन ने क्या बोल दिया, फ्लैप। तो इसके अंदर क्या है, नर्वस सेल्स भी होती है और ब्लड वेसल्स भी होती है। इसके दोनों तरफ ये क्या लगी रहती है, गिल लेमिला, क्योंकि इस सेप्टा के ऊपर ये एक्चुअल में किसके अंदर होता है, गिल पाउच में, और गिल पाउच की मेम्ब्रेन मॉडिफाई होकर क्या बनाती है, लेमिला। तो एक गिल के अंदर ये क्या दिखा रखी है अपन ने, दो लेमिला। अब एक छोटी है और एक है बड़ी, जो छोटी वाली है वो एंटीरियर गिल लेमिला है, जो पहले होती है वो छोटी होती है। तो ये एंटीरियर गिल लेमिला है और ये पोस्टीरियर गिल लेमिला पाई जाती है। इस प्रकार से ये एक गिल की संरचना होती है। तो ये अपने आप में एक क्या है, होलो ब्रिंक, पूरा का गिल्स, पूरा पूर्ण गिल, और ये कितने होते हैं, चार। अब जैसे अपन ने फर्स्ट ब्रिंकियल aortic arches बताई थी स्कोलियोटोन में डिसअपियर, तो वो क्या बनाती है, आगे जा करके स्पाइकल्स बना लेती है, इसलिए वो वाली यहां पर नहीं होती है। तो हाइओइड के बाद में ये पांच जोड़ी अपने क्या पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। अब इसमें रेस्पिरेशन की क्रिया कैसे होती है, यहां पर मैंने लिख रखा है माउथ ओपन। माउथ ओपन का मतलब है इंस्पायरेशन, इंस्पायरेशन, और माउथ क्लोज होगा तब क्या होगा, एक्सपायरेशन। रेस्पिरेशन की दो मैकेनिज्म होती है, दो पार्ट होते हैं, एक तो इंस्पायरेशन, ऑक्सीजन को अंदर लेना इंस्पायरेशन, और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना क्या कराता है, एक्सपायरेशन। माउथ जब ओपन होगा तब इंस्पायरेशन होगा, अंदर पानी जाएगा और रेस्पिरेशन की क्रिया होगी। माउथ जब क्लोज हो जाएगा तब क्या होगा, एक्सपायरेशन की क्रिया होगी। जैसे ही माउथ ओपन होगा, बक्को फेरिजियल केविटी जो है, अंदर जाने वाली जो बक्को फेरिजियल केविटी वो बड़ी होगी, अंदर पानी आएगा, पानी आने के बाद में किस में आएगा, फेरिक्स में, और यहां से ये जो अपर्चर दिखा रखी है आपने, कौन सा, इंटरब्रेंकियल अपर्चर, यहां से पानी बाहर आता है, और यहां से पानी बाहर आने के बाद में एक्सटर्नल गिल स्लिट्स के द्वारा बाहर निकल जाता है। लेकिन इतनी देर में जब पानी यहां से बाहर आता है तो इन किसके ऊपर से आएगा, इन लेमिला के ऊपर से आएगा। तो इतनी देर में क्या होगा, गैसेज का एक्सचेंज हो जाएगा, ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पानी के अंदर आ जाएगी, और इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, पानी तो बाहर निकल जाता है और ये इंस्पायरेशन की क्रिया हो गई। और एक्सपायरेशन की क्रिया में क्या होगा, जब CO2 बाहर निकलेगी एक्सपायरेशन के द्वारा, तो माउथ जब बंद हो जाता है तब वो क्या होगा, एक्सपायरेशन की क्रिया होती है। तो इस प्रकार से इसके अंदर रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। तो अपन ने आज जो पढ़ा है वो क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम इन स्कोलियोटोन। इसी तरीके से अपन आगे फ्रॉग में, यूरोमेस्टिक्स में, पीजन में और रेबिट के अंदर भी पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से ये पांच जोड़ी पाए जाते हैं, और ये जो पोजिशन दिखा रखी है अपन ने एक्सपायरेशन में, इस समय देखिए आप, ये जो ब्लैप है यहां पर बंद है और यहां पर ये फ्लेप है वो सीधे, क्योंकि अब क्या होगा, यहां से पानी है वो बाहर निकल जाएगा और ये क्या होगी, एक्सपायरेशन की क्रिया। इस प्रकार से ये स्कोलियोटोन के अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और इसकी रेस्पिरेशन की मैकेनिज्म है। वीडियो को लगातार देखते रहिए, और अगर पसंद आए तो उसको लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक्स।